मैंने एक बार एक साल बाद इसकी रिपोर्ट्स करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर साहब खुद कहने लगे कि तो चमत्कार है और ये मुझे नहीं लग रहा कि मनन की रिपोर्ट करेगा। क्यों नहीं इसको मैं फर्स्ट टाइम आई थी जब मनन आवाज लगाते थे नहीं सुनता था। अब इसको कोई दूर से भी अगर लगेगा मनन तो ये सुनेगा मनन, मेरा नाम ही मनन है। So this is the EEG report of Manan Agrawal, and we can see that there is, you can see that there is epileptic episodes, and it has been noted, and it says abnormal, right? So you can see that there is a huge, these are the waves. Okay, so you can see that this is the report which was taken on 29/10/2018 of Manan when he was 2 years and 8 months. Okay, now we are seeing a current report which is taken on the 8/11/2019, and now he's 3 years and 8 months. Pura ek saal ho gaya hai ye report ka. Okay, so now you can see it's not abnormal, it is regular and it is completely no epileptiform discharge were recorded during the study. So can you see the difference? There is an occasional sharp and spike wave discharge which was seen in 2018, and now it says none, no discharge was seen. So we can see the report now. Okay. So we're gonna talk to Manan's parents now, who have been with us for a year now. How long have you been coming? This is the second time. Third time. So this is the third time. So you joined us in 2018. Am I right? Yes. And I think when you came to us, there was also there you were also one of those parents who were thinking that okay, can this really work? Right? Because you have obviously gone through a lot of doctors and a lot of people must have repeated the same thing, but you trusted and you came here. And I think now we've got the results as well. But what we're going to talk about is first how your journey started with Manan. When I first time आई थी मनन के लिए तो मैं क्योंकि मैं जब इसको एपिलेप्सी हमेशा देती हूँ मैं इसको दवाई मगर है ना इसकी हमेशा रिपोर्ट मैंने चार रिपोर्ट करवाई इसको बाय बर्थ आए थे सीजर्स मैंने चार रिपोर्ट करे चारों अब नॉर्मल बाय बर्थ था मगर मैंने 3-4 साल मैंने इसके ट्रीटमेंट दवाइयों का रेगुलर रखा फिजियोथेरेपी भी कराई कितना देते थे दवाई आप इसको मैं इसको जैसे इसको निमोनिया वाला थोड़ा ज्यादा आया तो इसको लैरिपिल एपिलैक्स या फिजियोथेरेपी चल रही थी तो उनकी डोज थोड़ी बढ़ा दी गई थी फिर मुझे यूट्यूब से मैं सर्च करती रहती थी कि सेरेब्रल पाल्सी कोई इलाज है सेरेब्रल पाल्सी तो उसमें मेरे को नाड़ी योगा का ट्रीटमेंट दिखा फिर थोड़ा ये लगा कि क्या पता यहाँ पे अपन इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कुछ होगा नहीं होगा फिर भी हिम्मत करके मैं आई तो मुझे डॉक्टर साहब ने आते ही ये बोला था कि आप एक साल बाद इसकी रिपोर्ट करवाना है इसी बिल्कुल नॉर्मल है जब तक बिल्कुल भी नहीं आई थी चारों रिपोर्ट्स में इसकी बिल्कुल अब नॉर्मल थी मैंने एक बार एक साल बाद इसकी रिपोर्ट्स करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल आई डॉक्टर साहब खुद कहने लगे कि ये तो एक चमत्कार है और ये मुझे नहीं लग रहा कि मनन की रिपोर्ट्स है वो आपके जो मेडिकल डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको देहरादून जाना चाहिए उन्होंने जब भी मन की बात आती हुई कहते जब भी मैं मनन को देखता हूँ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है इसके लिए हमेशा इसके अंदर इम्प्रूव दिखता है तो आप मनन का पहले मुझे सिम्टम्स बताइएगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिसने मनन के जैसे ही सिम्टम्स होंगे जब जैसे आपने मुझे बोला कि बचपन से ही इसको सीजर्स आते थे तो क्या क्या सिम्टम्स आपने देखा था जब ये हुआ तो रोया नहीं था तो डॉक्टर ने बताया कि इसको सीजर्स आए हम लोग भी समझते सीजर्स क्या होते हैं कुछ होते हैं फिर इसको 15 दिन बाद डिस्चार्ज किया तो इसके चेहरे पे हल्के हल्के मुझे दिखते थे झटके थे हाँ टेढ़े होते थे इसका होंठ वगैरह तो मैंने घर वालों से बात करी तो फिर मैंने इसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया उन्होंने बोला इसके फिट्स आए फिर इसकी ईजी करवाई तो अब नॉर्मल बिल्कुल अब नॉर्मल
जैसे ही सोता था तो यूं बार बार करता था, आंखें घूमती थी इसकी। तो फिर मैंने इसको, वो नाड़ी योगा का मैं जानती नहीं थी उस टाइम, फिर मैंने इसको एपिलेप्सी देती रही इसको 3-4 साल तक, मगर इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं, टाइम टू टाइम दवाई देने के बावजूद नहीं। फिर मैंने जब से नाड़ी योगा ट्रीटमेंट इसको दिया है, तब से साल भर में इसकी बिल्कुल नॉर्मल आ गई रिपोर्ट्स। और अभी थोड़ा थोड़ा चबा के भी खाने लगा है, कुछ चबाता नहीं था, हाथ भी नहीं उठाता था। अब जैसे समझता भी सब कुछ, मम्मी कहीं जा रही है तो रोना चालू कर दिया, इसको तैयार कर दिया तो ठीक है मुझे लेके जाए, अंडरस्टैंडिंग तो इसकी प्रॉपर नॉर्मल बच्चों जैसी हो चुकी और इसके फिट्स भी नहीं आते। See, we're going to talk with what she talked about the symptoms. Now, Manan had seizures from the time that he was born, but there was no understanding of what was happening to the child. So the mother said that he used to have a little flicker around here, a little tremor, which was around his mouth. But she was not able to recognize what it is because she had no understanding of what seizures were. Once she understood, sir. Once she understood what it was, obviously the doctors, they started giving him the medicines. Sorry. So the mother started seeing all the symptoms now, and then she started giving the medicines. But she still did not see the change in EEG. It still came as an abnormal EEG. Then she started giving the treatment of oxygen therapy at home and of Nadi Yoga. And they started seeing the changes. And then they came down to Dehradun. And within a year, we can see an EEG that is completely normal. So, and what she's saying is that now there's so much improvement in Manan that now he recognizes, you know, when the mother has to go out, he recognizes that she's going out because obviously the clothes that she's wearing. So he's able to see all these changes and he's feeling there's also sensory and motor skill improvements. Iska jo drooling tha, wo bhi thoda sa kam ho gaya hai. Ab jaise isko bilkul abhi to aise hai, pehle ye bilkul gila kar deta tha. इसका मतलब पीछे भी गोदी में लेते तो पीछे बिल्कुल गीला कर देते, सब गीला। अब इसकी बिल्कुल रूलिंग नहीं है इस टाइम, बिल्कुल मतलब 50% इसकी रूलिंग हो चुकी है। So we are talking about the development that happens once the seizures are stopped. So when normally the symptoms of epilepsy is that obviously if it happens more often, then the development of the brain becomes limited. So a lot of child are diagnosed with delayed development or global development, and these are through seizures and different forms of epileptic seizures. So every child is very different, every child has a different effect of seizures. So you cannot compare one child to another. But we can see that every time that Manan has come down, there has been a gradual change. And I think every time you came, there was some change and then it came as a second. Because I have seen Manan from like 3 times that it has been, I have seen a gradual change, the way he also interacts with me. Like now he smiles, he knows where to smile, how to smile. But when you came first time, usko koi pata hi nahi tha ki kahan aa gaye hai, kya hai. Abhi to jaise hi Nadi Yoga mein aa jate hai, to inka chehra thoda sa muskurane lagta hai. Aur jaise pehle kisi ko dekh leta tha, pehchanta nahi tha. तो भी किसी को स्मैल कर दी नहीं तो नहीं भी करी। अब तो जिसको एक बार देख लिया उसको दोबारा 10 महीने बाद भी देखेगा तो भी स्मैल करता है, मतलब पहचान जाता है, मतलब रिकॉग्निशन होने लगा। वेरी नाइस। एज अ फादर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे बच्चे किसी के हैं तो वो नाड़ी योगा में आके अपना इलाज करवाए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो निराश होके ही इधर आते हैं, जैसे नाड़ी योगा में ज्यादातर हम देखते हैं कि हर जगह से धक्का खाके हर यू नो हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जहाँ पे दिल्ली भी चले जाते हैं, बेंगलोर भी चले जाते हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल हताश हो गए हैं, यू नो दे मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम जर्नी एज यू, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मुझे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जरूर आप दूसरों से शेयर कीजिए कि कहाँ से आप ये स्ट्रेंथ लाते हैं। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि हर बच्चे का ट्रीटमेंट नाड़ी योगा से होगा तो जरूर ठीक हो,
क्योंकि मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा, मुझे हर कोई डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो ये कहता है कि जो पार्ट सिंक हो गया, जो पार्ट डैमेज हो गया वो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा उसके अंदर, बस ये अपन को दूसरा पार्ट इम्प्रूव करना पड़े। मगर ऐसा कुछ नहीं है, मनन का हेड का साइज भी नॉर्मल आ गया, मनन में काफी इम्प्रूव मुझे देखने को मिला। जैसे कोई भी अब इसको देखता है तो यही कहता है मनन में तो काफी चेंजेस है, मनन तो बहुत ठीक हो गया, आपको इसका देहरादून का ट्रीटमेंट रेगुलर रखना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसकी मुझे यही कहती है कि नहीं आपको मैं और कहीं की छुट्टी दूध नहीं दूँ, आप देहरादून जाओ। वेरी नाइस। आप हिम्मत कहाँ से लाते हैं ट्रस्ट एंड एफर्ट ऑफ पेरेंट्स हू कम टू नाडी योगा? वी आर एबल टू ब्रिंग चेंजेस टू दीज चिल्ड्रन एंड आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स, दैट बिफोर यू गिव एनी मेडिकेशन, बिफोर यू डू एनीथिंग, try our oxygen therapy, try our oxygen therapy at home. You know, it does not have any side effects, so you have nothing to lose. So try something at home before you start giving medication. There are certain points that we define. If one of the child is having fits or going through seizures, try and press this point. You see, for about 5 seconds, 10 seconds, you press this point. There is no harm in that. There is no side effects in that. But you can definitely, if you do this, you will prevent your child from damaging their kidneys and liver if the medicines are given for long time. So we don't want the child to go through so much. So please try a modified oxygen therapy. It is there in English and it is also there in Hindi. So Dr. Rashish has also shown you in Hindi point by point of doing these oxygen therapies. And I have also shown in English how to do these modified oxygen therapy. So there is no excuse for any parents now to say that how do we do this. And try, and if anybody is saying that, okay, I want to know the first journey of the child and the second journey, we always put our parents' first interview online and we always put the symptoms which are there in the first interview itself. जब आप पहली बार आए थे तभी भी आपका हमने इस तरीके से क्या क्या सिम्टम्स है उसका भी हमने इंटरव्यू लिया था, एंड सेकेंड टाइम भी आए थे तभी भी हमने ऑनलाइन रखा है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि हम फाइनल ही आपको दिखाते हैं, हम ग्रेजुअल चेंजेस दिखाते हैं कि जब फर्स्ट टाइम से आते हैं, सेकेंड टाइम आते हैं एंड थर्ड टाइम आते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो प्लीज डू योर रिसर्च। ये हम बार बार आपको लिंक नहीं भेज सकते हैं, वी अपोलोजाइज, बट वी डेफिनेटली हैव दोज लिंक्स देयर, एंड प्लीज लुक, टेक आउट योर टाइम एंड डू द रिसर्च, क्योंकि हम नाम भी बताते हैं आपका, तो यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू रिकग्नाइज, और हमारे सारे बच्चे जो है एकदम रॉयल्टी है, सो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज देम एनी वे। सो थैंक यू सो मच। उन्होंने अभी रुमाल पकड़ना बताया ना, आज पहली बार उसने रुमाल पकड़ा। ये जैसे मैं अभी थर्ड टाइम आई तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि राइट हैंड बिल्कुल यूज नहीं करता है, कोई भी चीज पकड़ता है छोड़ देता है, मगर आज ही मैंने जैसे इसको नैपकिन भी पकड़ाया तो इसने 20 सेकंड तक उसको होल्ड रखा, अपने मुंह के पास भी लेके गया, और ये 4 दिन का ट्रीटमेंट अभी हुआ है इसका, उसमें इसके हाथों में काफी इम्प्रूव आया है कि हर चीज को होल्ड कर रहा है, मुंह तक ले जा रहा है, नहीं तो ये हर चीज को छोड़ देता था वहीं पे। ग्रिपिंग भी आया है, और उसको पकड़ने का जो मोटर स्किल्स होते हैं वो भी उसका जो है वो अभी और सही हो रहा है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ जब आपसे तो ये मुझे देख रहा है, तो फोकस करता है, देखता है, विच इज आई थिंक ह्यूज चेंज। मनन, फर्स्ट टाइम आपको कैसा लगा जब उसने 20 सेकंड रुमाल पकड़ा? तो मुझे काफी खुशी हुई कि इसका हाथ ये वाला भी नॉर्मल इस हैंड के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्यों नहीं? इसको मैं फर्स्ट टाइम आई थी जब मनन आवाज लगाती थी, नहीं सुनता था, अब इसको कोई दूर से भी आवाज लगाएगा मनन तो ये सुनेगा, मनन मेरा नाम है, मनन है। वेरी नाइस। और ये भी जानते हैं दादा कौन है, बाबा कौन है, मम्मी कौन है, सब चीज जानते हैं। मनन हमारा हीरो भी है क्योंकि इसके ऊपर हमने वो सिखाई हुई है एक्सरसाइज, जो 5 एक्सरसाइज है जो लोग करते हैं, बताते हैं कि स्टिफनेस बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, क्या करें क्या नहीं, तो जो एक्सरसाइज सिखाई अभी आप मनन को पहचानेंगे नहीं, वो मनन के ऊपर ही हमने एक्सरसाइज सिखाई, याद है आपको? मनन में काफी चेंज है, ग्रोथ भी करी है मनन ने।
इसका जो श्रेय है वो हमारे मनन को ही है, जो अभी भी आप देखिए कि मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हो गया है, वो आराम से बैठा है, थोड़ा क्यों करता है, पापा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, पापा मम्मी का सुनने लगा है, पापा का ज्यादा सुनता है, पापा से ज्यादा लगा राजा बेटा देते हैं। अच्छा इसको ट्रीटमेंट देते हैं। अरे नाड़ियों का ट्रीटमेंट, और ये सबसे बड़ी बात है कि नाड़ियों का ट्रीटमेंट मम्मी पापा दोनों इकट्ठा देते हैं, ऐसा नहीं है अरे वाह कि सिर्फ क्या कहते हैं उसको आपने तो नाक रख ली बाबू हमारी।